से पढ़ाई करो, टाइम पे पढ़ाई किया करो, सुबह जल्दी उठा करो, मोबाइल मस्त इस्तेमाल किया करो, संभल के जाना, पति के प्रेम में फंस जाना जो आपको महत्व नहीं देता और आप ही उसके पीछे भागे जा रहे हो। मैंने सोचा था कि 10th क्लास पास किया है, अब बहुत अच्छे से पढ़ूंगा, ये साल मैं बहुत अच्छे से अपना शुरू करूंगा। आपने यही सोचा था ना कि इस साल मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से करूंगा, पूरे दिल से करूंगा, साल के शुरू से अच्छे से पढ़ाई करूंगा, मेहनत करूंगा, अपने लक्ष्य को हासिल करने की सारी कोशिश करूंगा, कहीं भी नहीं भटकूंगा, अच्छा खाना खाऊंगा, समय पे सोऊंगा, समय पे उठूंगा, मोबाइल इस शैतान से मैं दूर रहूंगा, सारी चीजें सही से करूंगा। पर कहीं ना कहीं आप भटक गए ना बीच में। अब आप क्या कर रहे हो? बस इंतजार कर रहे हो, एक दुर्घटना का इंतजार कर रहे हो आप जीवन में। आपने अपने जिंदगी का कंट्रोल ना छोड़ दिया है, पूरी तरह से छोड़ दिया है। हम लोग साथ ऐसा होता भी, आपने बचपन में भी देखा होगा कि जब आप साइकिल चलाते थे या आप कोई भी चीज ड्राइव करते थे, बचपन में साइकिल में ये चीज बहुत होती है, जब बचपन में आप साइकिल चलाते थे तो आपने ये चीज देखी होगी कि मान लो मैं आपके बराबर का हूं, हो सकता हो 3-4 साल पहले, जब आपने 6 साल पहले साइकिल चलाना सीखा होने आने, आप साइकिल चला रहे हो, सामने कोई गाड़ी आई, अब आपको समझ में नहीं आ रहा क्या करे, तो आप हाथ छोड़ के पैर छोड़ के ऐसे एकदम डर के जाके भिड़ जाते थे। आप ब्रेक भी नहीं लगाते थे, एक कोशिश भी नहीं करते थे बचने की, लास्ट में आप क्या करते थे, हाँ छुड़ गया, हाँ अब तो मैं गया, ऐसे डर जाते थे। ये स्वाभाविक है, हमारा दिमाग क्या करता है, कहता है गिव अप कर दो, अब कुछ नहीं हो पाएगा, तुम हार गए, चलो चलो चलो, वो अपनी तैयारी करने लगता है, वो गिव अप करने में बहुत तेज है, हमारा दिमाग कहता है चलो गिव अप, अब नहीं हो पाएगा। ऐसे ही इस साल भी आपके साथ हुआ। आपने साल के शुरुआत में सोचा था कि पूरी लगन से, पूरी निष्ठा से मैं अपना कर्तव्य करूंगा, मुझे कोई नहीं भटका सकता, मैं किसी जंजाल में नहीं फंसूंगा, इस माया में नहीं फंसूंगा, किसी लड़की किसी लड़के के चक्कर में नहीं आऊंगा, मैं कोई सोशल मीडिया पे नहीं जाऊंगा, मैं दुनिया को करके दिखाऊंगा, अपने माँ बाप के लिए करके दिखाऊंगा। करना भी चाहिए अपने माँ बाप के लिए, बनता है, इतना किया है ना उन्होंने हम लोग के लिए, बनता है। पर आप ना क्या कर दिए, बीच में गिव अप कर दिए, थोड़ी सी चीज बिगड़ी आपने गिव अप कर दिया, अब नहीं हो पाएगा, अब नहीं हो पाएगा, अब नहीं हो पाएगा। आप कहीं से भी शुरू करो बेटा, कभी भी शुरू करो, चीजें हो सकती है। जब चारों तरफ घंघोर अंधेरा हो जाए तो समझ जाना कि अब उजाला होने वाला है। यदि इस समय आपके हर तरफ अंधेरा हो रखा है, पूरे जीवन में अंधकार छाया हुआ है, अपने पथ से आप भ्रमित हो चुके हो, गलत रास्तों पे जा चुके हो, तो बस सुबह होने वाली है, समय है तो आंखें खोलने का। खुली तो है नहीं, नहीं 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 खुली है। आंखें खुली होती तो आप सही फैसला लेते, क्योंकि दिल से आप अच्छे इंसान हो, आप दिल से बुरे व्यक्ति बिल्कुल भी नहीं हो, आप बस फंस गए हो इधर उधर के माया जाल में। मिसाल के तौर पे सोच लो, मैं स्कूटी चला रहा हूं, मैं स्कूटर चला रहा हूं, और मैं रास्ते में निकला, बहुत ट्रैफिक जाम हो गया, अगल बगल हर तरफ ट्रैफिक, पैं पैं हॉर्न बज रहा है, मैं परेशान हो गया, ऊपर से धूप आ रही है, मेरे पसीना निकल रहा है, मैं एकदम परेशान हूं, अब मैं क्या करूं, बगल से एक बड़ी सी गाड़ी आई, मुझे ठोकर मार के चली गई, अब मैं ऐसे अपना गाड़ी को खींचता हुआ जा रहा हूं, क्या इसमें कहीं मेरी गलती थी? नहीं। अब मैं क्या करूंगा, अपनी गाड़ी बनवाऊंगा, वापस बैठूंगा और चल पड़ूंगा, अगली बार ऐसा रास्ता लूंगा जहां पे इतना ट्रैफिक ना हो, धूप लग रही है, अगली बार कैप पहन के चलूंगा, एक्सीडेंट हो रहा है, अगली बार अपनी नजर चौकन्ना रखूंगा, जैसे ही वो गाड़ी आएगी अपनी गाड़ी पीछे कर लूंगा। वी हैव टू लर्न फ्रॉम आर मिस्टेक्स, वी डोंट हैव टू रिग्रेट ओवर आर मिस्टेक्स। अरे किसी ने सिखाया ही नहीं यार सिचुएशन को हैंडल कैसे करना है, तुम्हारी गलती नहीं है, तुम मन से अच्छे इंसान हो, आप बहुत अच्छे व्यक्ति हो अपने मन से, आपको किसी ने ये बात सिखाई नहीं कि जब कठिनाई आएगी तो करना क्या है। सबने हमेशा आपको सिर्फ डांटा है, सही से पढ़ाई करो, टाइम पे पढ़ाई किया करो, सुबह जल्दी उठा करो, मोबाइल मस्त इस्तेमाल किया करो, संभल के जाना, क्यों नहीं दिया तुमने टेस्ट, टेस्ट में तुम्हारे नंबर क्यों नहीं आ रहे हैं। किसी ने ये नहीं बोला कि नंबर नहीं आ रहे हैं, कोई बात नहीं, फिर से उठो, फिर से मेहनत करते हैं, कोई कारण होगा जिस वजह से नंबर नहीं आ रहे हैं, उस कारण पे काम करते हैं। जब आपको लोग पूरे तरफ से जलील करते हैं, डांटते रहते हैं, तो आपको भी लगता है यार ये कंट्रोल मैं छोड़ देता हूं, फिर वो साइकिल जब भिड़ने वाली होती है तो हाथ पैर छोड़ के आप सोचते भिड़ ही जाते हैं यार, देखा जाएगा। सूरज की धूप कितनी भी तेज हो, वो कभी समंदर को सुखा नहीं सकती।
समुंदर हो तुम, तुम्हारे अंदर बहुत एनर्जी है, ऊपर वाले ने तुम्हारे अंदर बहुत पॉजिटिव एनर्जी डाली है और तुम्हें एक मकसद के लिए भेजा है। मकसद क्या है? तुम्हें ढूंढना है। वो पर्ची बंद है, वो पर्ची तुम्हें खोलनी है। अब वो मकसद क्या? इंस्टाग्राम दिन भर स्क्रॉल करना, यूट्यूब स्क्रॉल करना, दोस्तों के साथ घूमना, अपने समय को बर्बाद करते रहना, कोई मोबाइल गेम खेलना, किसी बेटिंग ऐप के चक्कर में फंस जाना, किसी तरह का नशा पदार्थ कर लेना, किसी ऐसे व्यक्ति के प्रेम में फंस जाना जो आपको महत्व नहीं देता और आप ही